फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पर लाइव आकर पारस छापड़ा ने शहनाज गिल के बारे में काफी ज्यादा बातें की। शहनाज गिल को घमंडी का, एटीट्यूड वाली का और साथी का, अगर उनके फैन पे इतना दम होता, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो वो बिग बॉस शो जीत जाती, ना कि सिद्धार्थ शुक्ला जीत जाता। जरा सुनिए पारस ने क्या क्या कहा सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में। अगर फॉलोवर्स की बात देखी जाए फिर तो सिद्धार्थ शुक्ला तो शहनाज से बहुत कम है, क्योंकि उसके फॉलोवर्स कुछ 2 मिलियन है और शहनाज के शायद आई गेस 4 मिलियन अराउंड है। तो सबसे ज्यादा फेमस तो शहनाज है, शो तो उसी को जीतना चाहिए था अगर लोगों ने इतना प्यार दिया उसको तो। पर वो क्या है, ऑल द ड्रामा, ऑल दिस थिंग, मतलब सोशल मीडिया पे यू आर डूइंग गुड, दैट डजंट मीन दैट यू नो यू आर मोर फेमस देन एनीवन। अभी गौतम गुलाटी के 700K कुछ फॉलोवर्स है, तो क्या वो शहनाज से कम है फेमस? ही इज इक्वली फेमस, राइट? जितने लोगों ने शहनाज को देखा होगा उतने लोगों ने गौतम को भी देखा है उसके साथ एपिसोड में, मुझसे शादी करोगे में भी उसको, गौतम को भी देखा है, जिस लोगों ने शहनाज को देखा। तो ये ऑल दिस बुलशिट ड्रामा और इतना ज्यादा एटीट्यूड, इतना ज्यादा घमंड सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए नया नहीं है। फ्रेंड्स, क्या सच में शहनाज गिल को ज्यादा एटीट्यूड और घमंड आ गया है, या पारस छापड़ा जलस के मारे ये सब शहनाज गिल को कह रहे हैं? आपकी क्या राय इस बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए।